आप सब लोगों से इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है। अगर मैं CH4 को एज सच देखती हूं तो मुझे देख करके लगता है कि कार्बन जो है, मैं अभी तुम्हें इसका डायग्राम नहीं बना के देती, मैं तुम्हें एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूं। CH4 इज लाइक दिस। अगर मैं कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं, इट इज 1s2, इट इज 2s2, इट इज 2px2, इट इज 2py1 एंड इट इज 2pz1। अगर आप कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, देन इट शुड बी 1s2, 2s2, 2px1 एंड 2py1। और अगर हम इसको ड्रॉ करके बनाते हैं, इट शुड बी 2s2, इट इज 2px1 एंड 2py1। अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी शेल में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैम, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह समझाया था, इट इज ओनली द वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, दे ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इफ यू लुक एट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इट हैज गॉट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैम, अगर आप उसकी सिर्फ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके पास तो आधा आधा भरे हुए है ही सिर्फ 2। कार्बन को तो बॉन्ड ही सिर्फ 2 बनाने चाहिए, लेकिन हम सबको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, भले वो डबल से बनाए, भले वो सिंगल से बनाए, जिस मर्जी मेथड से बनाए, इट ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स। पहला क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट मैं सिर्फ ये समझा रही हूं मेरी हाइब्रिडाइजेशन की मुझे आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके की होती है, वो तो बाद की बात है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज जरूरत। इफ आई लुक एट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इट हैज गॉट ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैम, वी नो पोस्टुलेट ऑफ VBT थियरी, इट इज ओनली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम उस एम को मान के चलते हैं तो कार्बन को तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, पर आप जिस मर्जी दुनिया का मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। सो अब पहली चीज, मैम इसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करें? हमने क्या किया, एक 2s के इलेक्ट्रॉन को इधर प्रमोट कर दिया। वी हैव प्रमोटेड वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन्स टू 2p। कहां से एनर्जी आई सिस्टम से, वो सारी बातों का जवाब मिल जाएंगे आगे चलते हुए। व्हाट वी हैव डन, वी हैव शिफ्टेड वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन्स टू 2p। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड? सो इतना तो पता लग गया कि 4 बॉन्ड। अगर हम एक 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दें 2p के बीच में, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स। मिशन एक्सप्लेन। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने से ये बन गया 2s एंड दिस इज 2p। और अब अगर हम इसको हाइड्रोजन से ओवरलैप करते हैं, दिस इज 1s, दिस इज 1s, दिस इज 1s एंड दिस इज 1s। बिकॉज वेलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाई गई, वेलेंसी शेल ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप। अब जब ये ओवरलैप करे और 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ये बना SS सिग्मा बॉन्ड, ये बना SP सिग्मा बॉन्ड। आपने तो घंटा लगा दिया मैडम समझाने में कि SS और SP की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, SS और SP की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है। सबसे स्ट्रांग PP होता है, फिर SS होता है, फिर SP होता है। इसका मतलब मैडम मीथेन के पास तो 3 सेम होने चाहिए थे, क्योंकि 3 SP वाले हैं,
और एक SS वाला होना चाहिए था। अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए कार्बन को? दो। क्या कार्बन की वैलेंसी टू होती है कि हमेशा फोर होती है? अब पहले तो ये बताओ, अगर उसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो उसको टू क्यों बॉन्ड बनाने चाहिए? तो फिर क्या हो गया, पेड़ वाला नहीं आ सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? क्योंकि VBT थ्योरी ये कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। सो पहली चीज तो ये होगी मैडम, चार बॉन्ड बनाने के लिए चार अनपेयर्ड चाहिए, क्या करें उसके लिए? एक 2s को 2p में ले जाए। क्या किया, ये बात बार बार यूज होगी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयरिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हो गए चार अनपेयर्ड। अच्छा, सराउंडिंग आइटम कौन सा मीथेन में? हाइड्रोजन, एच है ना सराउंडिंग, एच के पास एच की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1, ठीक है। आई वॉन्ट वन लाइन आंसर, वॉट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ मीथेन? टू अकाउंट फॉर इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द फोर बॉन्ड्स, टू अकाउंट फॉर इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द फोर सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। क्या हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत चार बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने की है कि चारों सेम तरीके के बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के? चार बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमने कर लिया, टू अकाउंट फॉर इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द फोर बॉन्ड्स। इस दिस हैज गिवन राइज टू, दिस हैज गिवन आदर्शदीप, दिस हैज गिवन राइज टू हाइब्रिडाइजेशन। आई एम टॉकिंग टू हिम। हमने ये एक एस और ये तीन पी मिक्स किए, मिक्सी में ग्राइंड करा, हमने एक पर्टिकुलर तरीके की मिक्सिंग करी sp3। आज हमें पता लग गया ये क्या होता है sp3, एक एस तीन पी sp3। क्या शक्ल में फर्क है एस और पी की? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ऐसा है, ऐसे से चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इस तरीके के चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये चारों के चारों सेम एनर्जी के आ गए। ऊपर ये लाल वाले डब्बों में क्या प्रॉब्लम थी, नीले वाले डब्बों में क्या प्रॉब्लम थी? एक ऐसा तीन पी थे, शेप डिफरेंट थी, ओवरलैपिंग डिफरेंट थी। मिक्सी में लिया एक एस को और तीन पी को, ग्राइंडर घुमाया, बराबर चार बांट दिए, जो बराबर चार बांटे वो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आ गए। दीज आर द फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वी हैव ऑब्टेन्ड। अब जो यहां पर प्रॉब्लम की जड़ थी, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब मैंने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए और वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं सेम एनर्जी के हैं, सेम शेप के हैं, सब कुछ सेम है। अब बताना चाहती हूं कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होते हैं। बताऊंगी क्यों टेट्राहेड्रल में अरेंज होते हैं। ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस टेट्राहेड्रल फैशन में आए, इमेजिन कर लो, ये व्हाइट व्हाइट वाले गोलू नहीं है अभी, चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों हाइड्रोजन के एस के साथ ओवरलैप करें, चार सेम बॉन्ड बन गए, चारों के चारों सेम बॉन्ड क्या बने? sp3 एस सिग्मा बॉन्ड्स। sp3 किसके लिए आया? कार्बन के लिए। एस किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए। आपको अभी तक ये नहीं ना पता लग रहा होगा, मैडम आपने ये फूल कैसे बनाए? मैंने आपको एक फूल की पत्ती बताई थी ना, ऐसी कितनी पत्तियां बनी थी? चार। उन चार का अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है? गाड़ियों का अरेंजमेंट क्या होता है? किसी के पीछे रेयर जो भी लगता है, वो फॉग लाइट भी लगी है, किसी में कुछ और लगा है, यही होता है ना, इसी से 50-50 हजार लाख लाख बढ़ता जाता है। उसी तरीके से आपको केसेस करवाएंगे कि किन केसेस के साथ यू अरेंज देम। बेसिकली इज दिस क्लियर? मैंने आपको इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये वर्ड्स समझाए, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली आउट हेयर। यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? एक SS था, तीन sp थे। वेयर एज साइंटिस्ट ने जब फाइंड किया, सारी बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड एंगल, सारी बॉन्ड एनर्जी सेम थी, उन सब चीजों की सेम इक्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें?
चार एक ही जैसे ऑर्बिटल्स बनाओ, सेम एनर्जी के बनाओ, जब वो हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेंगे तो अपने आप सेम ही चीज बनेगी। उन चार सेम को बनाने के लिए क्या किया, क्योंकि चार चाहिए थे इसलिए इन चार चीजों को मिक्स किया। ये रूल है हाइब्रिडाइजेशन का कि जितनी चीजें मिक्स करती हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक एस और तीन पी मिक्स किए और आपके पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। वो कैसे ओरिएंटेड है अभी एक्सप्लेन करूंगी। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने में कौन सी चीज को मद्देनजर रखा जाता है आपके सामने, मैंने पहले ये बात समझ आई। इसमें और इनमें और इनमें फर्क देखो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन वन साइड, दैट इज वाई इट विल हैव अ बेटर ओवरलैप, दैट इज वाई इट विल हैव अ बेटर ओवरलैप। एक चीज, ये वाली चीज जब किसी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड है तो जब ये एस के साथ ओवरलैप करेगी बेटर इफेक्टिव ओवरलैप होगा। आपको कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रोवाइड करना पड़ता है। दुनिया की हर चीज हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरीके की होती है, जितने तरीके की होती है वो कराऊंगी। एसपी एसपी टू एसपी थ्री डीएसपी टू एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री डी थ्री। मैं आपसे पूछती हूं, आप पंखे पे लटकते हो, आप वहां ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप पंखे पे अपने आप लटक जाते हो कि पंखे से जंप मार के कुर्सी पे अपने आप बैठ जाते हो? अपने आप क्यों, यू आर मोर स्टेबल। व्हाई आर यू मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। सेम इज द कंसेप्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बड़े सारे फायदे हैं। अब ये एस की एनर्जी है, ये पी की एनर्जी है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। हाइब्रिडाइज्ड आपको मैं अभी पढ़ाऊंगी मुझे कितना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज मेक स्टेबल बॉन्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड। क्यों, व्हाई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? एक रीजन तो सामने आ गया, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन भी सामने आ गया, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ओरिएंटेड ऑन वन डायरेक्शन, इट विल हैव अ बेटर ओवरलैप एज कंपेयर टू दिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप ही हो जाती है जहां पर रिक्वायर्ड है। कुछ मीडियम, कुछ चीजें, टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, वो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अदरवाइज इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। व्हाई इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन? बिकॉज इट हैज गॉट लेस एनर्जी, इट इज मोर स्टेबल देन प्योर एस और प्योर पी ऑर्बिटल। एम आई क्लियर? मेरी बात से सब बच्चे सहमत हैं? पता लग गया व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इज दिस क्लियर?